पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गुरुवार को एडवोकेट एक्ट संघर्ष समिति के नेतृत्व में तमाम अधिवक्ता अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अधिवक्ताओं पर किए जा रहे हमलों और उनके खिलाफ दर्ज कराए जा रहे झूठे मुकदमों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र दिवाकर और राष्ट्रीय महासचिव सचिन कुमार प्रेमी ने बताया कि अधिवक्ताओं के साथ आए दिन मारपीट की जा रही है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि वादी और अभियुक्त मुकदमों में पैरवी को लेकर अधिवक्ताओं पर हमला करवाते हैं। अधिवक्ता के खिलाफ शिकायती पत्र देकर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वादी और अपराधी इसी तरह अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराते रहे तो अधिवक्ताओं की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। जी त्रिलोक चंद्र दिवाकर एडवोकेट। देखिए, हम पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इसी मांग को लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि अधिवक्ताओं के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो। देखिए, इससे फ़ायदा है कि वकीलों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं इनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर कोई वकीलों के खिलाफ कोई उत्पीड़न करता है या कोई अत्याचार करता है, अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारी इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती है। अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो हम उससे हमारे अधिवक्ता महोदय और उनकी फैमिली एक व्यवस्था के तहत हम उनके खिलाफ मांगों को रख सकते हैं, बातों को रख सकते हैं और हम एक तरह से सिक्योर हो जाएंगे। अभी आप कैसे समझते हैं आप अपना? देखिए, अभी तक तो हम अपने आपे को मैं समझता हूँ कि पूरे देश के जो अधिवक्ता हैं वो हम अपने आप को अनसिक्योर महसूस करते हैं।